मैं इस वीडियो में आपको एक बहुमूल्य औषधीय पौधे कुटकी के बारे में बताऊंगा, जो कि एक दुर्लभ प्राय औषधीय पादप श्रेणी में जो है शुमार है, तथा इसे जंगलों से भी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यह पौधा जो है भारतवर्ष के अल्पाइन क्षेत्रों में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, और क्या सिक्किम के मतलब ईस्टर्न हिमालय से भी यह जो है रिपोर्टेड है ये प्लांट्स। और यह जो है खासकर उत्तराखंड में बिलंगना घाटी और भागीरथी घाटी और ये मंदाकिनी घाटी में, ये तुंगनाथ के एरिया में काफ़ी प्रचुरता से अभी मिलता है प्राकृतिक स्थिति में। और इसके अलावा ये वेदनी बुग्याल नीति घाटी के आदि जगहों में भी यह पाई जाती है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश में भी यह 2700 से लेकर 3600 तक मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह औषधि या पौधा पाया जाता है। इसकी औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा मैं। इससे पहले इसका जो है मुख्य रासायनिक संगठन जो है कुटकी के राइजोम में जो है, इसका मेन जो है मेडिसिनल पार्ट होता है, इसका राइजोम होता है यानी जड़ वाला पार्ट। और यह मुख्यतः इसमें दो तिक्त ग्लूकोसाइड्स पिक्रोराइजिन तथा कुक्टीन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें डी मैनिटॉल, वेनिल एम्ल, कुटकी ऑल तथा कुटकी स्टेरॉल भी पाए जाते हैं। इसके राइजोम्स में एपोसाइनिन, एल्कानोल, कोरिन और एल्केन, बीटा सिस्टेरॉल की मौजूदगी भी पाई गई है। कुटकी की औषधीय उपयोग के बारे में मुख्यतः इसका जो है पीले के उपचार में होता है, और इसके अलावा अपच तथा पेट के विकारों की स्थिति में, अपच तथा पेट के उपचार में कुटकी काफ़ी लाभकारी पाई गई है। यह आमाशय को जो है सुदृढ़ रखती है, करती है और कार्य दक्षता को भी बढ़ाती है। कब्ज के निवारण है तो कुटकी एक हल्के विरेचक का कार्य करती है तथा बाउल्स के मूवमेंट को सही करती है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति में कब्ज की स्थिति में कुटकी की जड़ की तीन से पाँच चुटकियाँ सेंधा नमक अथवा काली मिर्च के साथ या त्रिफला के साथ लिए जाने की सलाह दी जाती है, अगर ऐसी कंस्टिपेशन है किसी को बहुत ही क्रोनिक टाइप का। जलोदर के उपचार में भी यह उपयोगी है पौधा, और लीवर संबंधी विकारों के उपचार के लिए तो ये बहुत ही प्रभावकारी पौधा है। आयुर्वेद में लीवर के विकारों के उपचार में कुटकी एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। लीवर संबंधी रोगों के निवारण हेतु विशेषतः लीवर के साइकोसिस की स्थिति में कुटकी के एक राइजोम का एक चम्मच पाउडर शहद के साथ दिन में 3 बार देने की सलाह दी जाती है। यदि रोगी को आदतन कब्ज रहती है तो दवाई की मात्रा दूनी की जा सकती है। और यह इसके अलावा जो है शरीर की सामान्य दुर्बलता की स्थिति में भी उपयोगी है, और चर्म रोगों के निदान में भी इसका जो है विभिन्न चर्म रोगों के लिए एक चम्मच पाउडर में तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर इसके इनसे एक पेस्ट बनाया पेस्ट जैसा बनाया जाता है, और इस पेस्ट को प्रभावित स्थान पर चर्म रोगों से निजात के लिए मिलती है। इसके अलावा कुटकी की खेती की आखिर हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसका जो है विधोन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके जो है डिमांड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खासकर लीवर के रोगों के निवारण हेतु और अन्य कई जैसे कब्ज और अपच वगैरह, ये पेट के लिए काफ़ी इसकी डिमांड होने के कारण इसके जो है खेती की आवश्यकता हो रही है। और सरकार ने तो इसमें प्रतिबंध भी लगा दिया है, क्योंकि जंगलों से इसे लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए जंगलों से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसकी खेती के लिए अभी कुछ शोध कार्य हुए हैं हेमंत नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय रुद्रप्रयाग जिले में, इन्होंने अपना शोध कार्य हेतु इस पर रिसर्च की है। तो इन्होंने समुद्री सतह से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाने के लिए इन्होंने बताया है, जबकि वह नेचुरली प्राकृतिक तौर पे यह जो पौधा जो है तुंगनाथ की हाइट पे 3600 मीटर के आसपास मिलता है, लगभग 2700 से लेकर 3600 मीटर तक मिलता है भारत के विभिन्न भागों में।
लेकिन ये कह रहे हैं कि 1800 मीटर तक की भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो इसमें जो है ये कह रहे हैं फिर कि 0 डिग्री से 35 डिग्री के तापमान तथा 1800 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी यह सफलतापूर्वक जो है उगाई जा सकती है। जबकि ये जो है प्राकृतिक क्षेत्र में वहाँ का जो टेम्परेचर काफ़ी 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, ऐसी जगह पे यो मिलती है। लेकिन जो नया शोध कार्यों के प्रयासों से इन्होंने ये इसमें एक प्रयास किया है रुद्रप्रयाग के पास, वहाँ पे एक कृषि का उसका एक्सपेरिमेंट करके। फिर उसके लिए ये बताते हैं कि उपयुक्त ये मिट्टी जो है उसके लिए जलवायु तो उसका हो गया कि ऊपर कुटकी मूलतः पहाड़ी जलवायु का पौधा है और यह 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई में प्राकृतिक रूप से मिलता है। लेकिन यह है 1800 मीटर से स्टार्ट करके इसकी खेती की जा सकती है, खासकर जिसमें मॉइस्ट क्लाइमेट वो ऐसी जगह पे उगाया जा सकता है। और कुटकी की मिट्टी के उपयुक्त मिट्टी रेतली दोमट मिट्टी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिसमें मिट्टी में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और जीवांश हो सॉइल में, तो वहाँ पे कुटकी के लिए उपयुक्त रहता है। कुटकी का प्रवर्धन यानी कि उसमें कैसे करके वो हम कुटकी की खेती कर सकते हैं, कुटकी का प्रवर्धन इसके बीजों से भी किया जा सकता है तथा राइजोम के अग्रभाग जिसको भूस्तारी कहते हैं, भूस्तारी से भी, अथवा भूस्तारी राइजोम का अग्र भाग जो बड़ वाला होता है उसको बोलते हैं भूस्तारी से भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है। और इसके लिए नर्सरी बनाई जाती है, नर्सरी बीजों से अगर करनी है तो उसके ऊपर मॉस बिछा बिछ मॉस का घास सेवाल टाइप का जो होता है मॉस या जो ब्रायफाइट्स में आते हैं वो उसको जो है सॉइल के ऊपर बिछा दिया जाता है जिससे कि वो पानी और नमी दे सके उनको। और बीजों का अंकुरण 8 से 9 दिन में प्रारंभ हो जाता है तथा लगभग 16 से 18 दिन में ये अंकुरण पूरा हो जाता है। और बीज बोने के लिए उपयुक्त समय जो है इसका नवंबर दिसंबर होता है और इसको पॉली हाउस में भी इसके बीज तैयार किए जा सकते हैं और उनकी उगाव क्षमता भी बढ़ती जाती है। बीजों से रोपण करने की अपेक्षा भूस्तारी से कुटकी का प्रवर्धन ज़्यादा उपयुक्त पाया गया है। भूस्तारी से प्रबंधन करने यानी कि राइजोम के अग्रभाग से, इसमें अग्रभाग को लगभग जो राइजोम का जो है पीस मतलब टुकड़े किए जाते हैं उसको 48 घंटे तक पानी अथवा गौमूत्र में डुबा कर रखा जाता है, तदुपरांत इसे जो है मॉस के घास में रख दिया जाता है और फिर उसको पर्याप्त नमी मिलती रहती है। इस प्रकार भूस्तारी से 90% तक पौधों का उगाव हो जाता है। फिर मुख्य खेत की तैयारी, पहले तो हमने नर्सरी में ये जो है भूस्तारी से भी और बीज से भी हमने पौध तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मुख्य खेत में को अच्छी तरह से तैयार करके उसमें 6 से 7 टन प्रति एकड़ के हिसाब से जो है गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद मिला दी जाती है। फिर उसमें जो है रेज बेड के बजाय उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए हैं कि इसको जो है समतल खेत में ही लगाने से ज़्यादा जो है उसके सर्वाइवल रेट जो है बढ़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि पौधों का रोपण जो है 30x30 सेंटीमीटर की दूरी पर खुरपी की सहायता से किया जाता है और 1 एकड़ में प्लांटिंग के लिए लगभग 45,000 पौधों की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता भी समय समय पर कुटकी की सिंचाई के लिए कुटकी को सिंचाई की काफ़ी आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकतर ये जो है मॉइस्ट और यह वेट प्लेसेस में ज़्यादा मिलता है प्लांट नेचुरली, तो इसलिए इसमें पौधशाला में तैयार करते समय इसे प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता है और गर्मी के मौसम में तो में प्रतिदिन तथा सर्दियों के मौसम में भी 1-2 बार पानी देने की बहुत ज़रूरत होती है इसके कि पौध के लिए निराई गुड़ाई और या खेत में भी जब लगाते हैं रोपण के बाद उसमें बहुत पानी की आवश्यकता देनी पड़ती है। निराई गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण, कुटकी की फसल में विभिन्न खरपतवार से मुक्त करने के लिए प्रति माह इसको तथा तदुपरांत पहले तो प्रति माह उसके बाद तदुपरांत नियमित अंतरालों पर आवश्यकता अनुसार इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मुख्य रोग, इसमें कभी कभी कहीं पर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप देखा गया है जिसकी रोकथाम के लिए 1 लीटर पानी में बताते हैं कि 3 ग्राम सल्फर घोल करके पौधों पर स्प्रे किया जाए तो वो जो है पाउडर मिल्ड्यू खत्म हो जाता है इसका। कुटकी की खेती
के लिए कोई इन्होंने ये सुझाव रखे हैं कि इंटरक्रॉपिंग भी किए जा सकते हैं कि उसके साथ अन्य कोई क्रॉप दूसरे लगाए जाए और साथ में कुटकी भी फसल, क्योंकि फसल जो है लगभग 3 बरस में, वैसे तो हर साल में इसकी फसल ली जा सकती है, लेकिन उसका जो जड़ का पार्ट होता है मुख्य राइजोम, वो 3 साल के बाद ही उसको जो है काफ़ी अच्छा वो जो है दे सकता है रिटर्न, लेकिन पहले साल में देखेंगे तो बहुत ही कम वजन का मिलेगा, इसलिए 3 साल तक उसको रखना पड़ता है। तो उसके लिए जो है उस दौरान जो है इंटरक्रॉपिंग अन्य फसल को इसके साथ उगाया जा सकता है। और फसल का तैयार जो होना जून से अगस्त के माह के बीच में इसमें फूल आते हैं और अगस्त सितंबर में बीज बन जाते हैं। इसके बीजों से प्राप्ति अगस्त सितंबर माह में कर ली जाती है और इसमें जो है जड़ों तथा राइजोम की खुदाई जो है फसल के 3 वर्ष पूरे होने पर ही जो है कुटकी की जड़ों या राइजोम की खुदाई करनी चाहिए। जड़ों को खोद लेने के उपरांत इसके साथ लगी मिट्टी को साफ़ कर दिया जाता है और फिर उसको सुखा करके कंटेनर्स या बोरियों में या जूट के बैग में रख सकते हैं। फिर उपज की प्राप्ति जो है इसमें 3 वर्ष की फसल पर आधारित उपज के बारे में बताऊंगा मैं इसमें कि 3 वर्ष से फसल से प्रति एकड़ 350 से 400 किलोग्राम सूखे राइजोम की प्राप्ति हो सकती है। सूखे राइजोम की प्राप्ति के साथ साथ आगे 3 एकड़ की खेती के लिए, 3 एकड़ के लिए, 1 एकड़ में हम लगाते थे, 3 एकड़ के लिए प्लांटिंग मटेरियल भी प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि हमको राइजोम भी मिलेगा और उसमें सीड्स भी हमें मिलेंगे जो 3 एकड़ में हम इसका विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार 1 एकड़ की खेती से लगभग 52,500 रुपये की प्राप्ति होती है। और ये इन्होंने एक जरवाल और क्या कहते हैं उनियाल जी ने 2003 में एक बुक निकाली, उसमें भी उन्होंने डिटेल में इसके लिए ये इसका जो है इकोनॉमिक्स के साथ डिटेल में दिया है। और ये HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी इसके ऊपर शोध कार्य कर रहे हैं, अभी भी उनका शोध कार्य जारी है। और यद्यपि यह सतही स्तर पर कुटकी की खेती व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है, लेकिन इसके जंगलों इसको इसकी प्राप्ति जंगलों से लेने पर प्रतिबंध लगने से इसके केवल कृषिकरण ही अब इसका जो है एकमात्र जो है प्राप्ति का के लिए दिखता है। और 1800 इसमें यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 1800 मीटर तक की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में इसको उगाने के लिए जो है सफल प्रयास उन्होंने दिखाया है रिसर्च करके। तो ये इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लिए एक जीवन यापन का एक सुनहरा मौका है उनके लिए। और इसके जो है इस प्रकार 1 एकड़ की खेती से लगभग 52,500 रुपये ये की प्राप्तियां होती हैं। इसके साथ में प्लांटिंग मटेरियल के रूप में भी लगभग 1,20,000 का जो है प्लांटिंग मटेरियल प्लांटिंग मटेरियल से वो उसको मिल सकता है। फसल पर भी यदि हम लगा दें तो उसको टोटल जो है शुद्ध लाभ जो है लगभग 1,09,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर हम उसमें जो फसल पर व्यय हुआ है जैसे प्लांटिंग मटेरियल की लागत, खेत लगाने की लागत, खाद एवं टॉनिक की लागत और नर्सरी बनाने की लागत, निराई गुड़ाई और हार्वेस्टिंग खोदने और उसको स्टोरेज करने सब लगा करके हमको शुद्ध लाभ जो है 1 एकड़ से 9,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।